हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी। तो हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर देख रहे थे। इसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसमें आपका पहला आ जाता है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब वर्ड से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि नॉर्मल जो है एडिशन का वर्ड है। तो इसका इसका जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, ये क्या कह रहा है एडिटिविटी की charges can be added by simple rule of algebra। मतलब algebra का जो rule है उसमें जो एक rule है addition का, तो उस rule के हिसाब से charges को आराम से normal जोड़ा जा सकता है। जैसे कि 1 electron है, 2 electron है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 electron। वैसे ही इसमें जो चार्जेस है, उसको भी जैसे कि मान लेते हैं कि 1 coulomb चार्ज है और फिर प्लस करना 2 coulomb, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 coulomb। तो हम लोग चार्ज को नॉर्मल जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटम जो क्वांट जो वर्ड है क्वांटाई, ये क्वांटम वर्ड से आया हुआ है। तो क्वांटम और क्वांटाई जो भी है इसमें, इसका मतलब ही होता है बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, यानी छोटा छोटा। जैसे कि एक बॉडी लेते हैं हम लोग, मान के चलिए इसका चार्ज जो है 10 coulomb है, तो ये पूरा, जैसे कि ये पूरा जो 10 coulomb है वो पूरा पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना सारा चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, फिर तीसरा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो जैसे 10 coulomb चार्ज है तो क्या है वो क्यू है, तो क्यू इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से देखते हैं कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस है, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम लोग फिर डिफाइन करते हैं। Charges are not a continuous quantity, but it is an integral multiple of charge on 1 electron. अभी से हम लोग समझा, अभी हम लोगों ने समझा कि चार्जेस आर नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 electron। जैसे कि अभी बताया था q इक्वल टू n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e मतलब इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है बस उससे गुणा करते जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। जैसे कि बताया था इस बॉडी में मान के चलिए 10 coulomb है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको एन से गुणा करते जाएंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा करेंगे एक चार्ज को, तो फिर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नेट चार्ज इन नेचर इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स नेट चार्ज इन नेचर इज ऑलवेज जीरो, मतलब आपका हो गया कि जो नेचर में है चार्ज है वो हमेशा जीरो होता है। आप लोगों को बताया था कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है किसी बॉडी में उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, ऑलवेज जीरो। और अगर नेट चार्ज जो होता है नेचर में वो हमेशा जीरो होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग जिधर भी जाते हैं हम लोगों को करेंट लगता हुआ रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि नेट चार्ज जो है वो जीरो है नेचर में। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि नेट चार्ज इन नेचर इज ऑलवेज जीरो, दैट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है अलग से या सिंगल, आइसोलेटेड मींस सिंगल चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और nor be cannot be created or nor be
डिस्ट्रॉयड ओनली इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी दैट मीन्स आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ओनली इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी मीन्स जो नेट चार्ज होता है वो नेचर में जीरो होता है ऐसा क्यों क्योंकि जो सिंगल चार्ज होता है वो ना ही क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है ये खाली एक फॉर्म से दूसरा एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर होता है तो आइसोलेटेड जो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसमें हम लोग पढ़ा कि आइसोलेटेड चार्ज नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इसमें फिर पहला आपका हो जाएगा ए पेयर प्रोडक्शन मीन्स चार्जेस जब भी बनेगा तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ ही बनेगा क्योंकि आइसोलेटेड सिंगल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड तो जब भी बनेगा या डिस्ट्रॉय होगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ चार्जेस क्रिएट होगा या तो फिर डिस्ट्रॉय होगा तो पेयर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन मतलब कि पेयर में इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का प्रोडक्शन को हम लोग पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस दैट इज आपका क्या हो जाएगा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे वो आपका पीटी प्लस टू गामा गामा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इसका मतलब क्या है एक मटेरियल है और एक टू गामा एक रे होता है ना जैसे कि प्लेटिनम ही मान के चलिए कि है हेवी मेटल है और ये गामा है गामा रे गामा रे इक्वल टू आपका क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये माइनस चार्ज हो गया और ये प्लस चार्ज हो गया इस प्रकार हमने देखा कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आता है और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एनिहिलेशन एनिहिलेशन का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज का बर्बाद होना या खत्म होना तो एनिहिलेशन मतलब क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर कॉल्ड एनिहिलेशन इन दिस केस लॉट्स ऑफ एनर्जी इन दिस केस लॉट्स ऑफ एनर्जी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव रे तो फिर इसका हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा टू गामा मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस अगर डिस्ट्रॉय होता है मिलकर रिएक्शन करता है तो उसके बाद ये गामा रेज का फॉर्म में बहुत सारा एनर्जी हम लोग लॉस्ट करते हैं और ये आपका गामा क्या हो गया रेडियो एक्टिव रे है तो इस प्रकार हमने जाना कि जो जो प्रॉपर्टीज है कि चार्जेस का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है इसमें पहला आपका हो गया एडिटिविटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन और चार्जेस कैन बी एडेड इन अ सिंपल रूल एंड सेकेंड आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब कि इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड थर्ड आपने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स सिंगल the net charge of nature is zero and single charges cannot be created or not be
डिस्ट्रैक्टेड। इसमें आपका था पहला पेयर प्रोडक्शन एंड सेकंड आपका एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन मतलब चार्जेस का पेयर में बनना, और एनिहिलेशन मतलब चार्जेस का पेयर में डिस्ट्रॉय होना या खत्म होना। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलम्स लॉ। तो कोलम्स लॉ क्या है, इसे हम तो जानते हैं। सपोज आपके पास एक चार्ज है क्यू वन एंड एक चार्ज है क्यू टू, तो कोलम्स लॉ आपका बताता है कि ये जो दोनों चार्जेस है इसके बीच में कितना फोर्स है, मतलब कि ये एक दूसरे को कितना फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है या तो फिर रिपेल कर रहा है, ये दोनों के बीच में कितना फोर्स है। और सपोज इसका डिस्टेंस कितना है आर, तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं। तो पहला हो जाएगा कोलम्स लॉ डिफाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस। आइए फिर हम लोग इसे देखते हैं, जैसे कि आपका क्यू वन एंड क्यू टू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। सपोज ये आपका क्यू वन हो गया और ये आपका क्यू टू हो गया, ये दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस है आर। ओके, तो बता ये जो कोलम्स फोर्स है वो लॉ है, ये आपको बताएगा कि जो चार्ज है उसका बीच का फोर्स क्या है। तो इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं इसे। सपोज क्यू वन एंड क्यू टू इज टू आर टू चार्जेस एट डिस्टेंस आर, क्यू वन एंड क्यू टू आर टू चार्जेस एट डिस्टेंस आर, देन द फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब द फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट मींस क्यू वन एंड क्यू टू का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, मतलब जो उसका डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ क्या होगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका इफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन क्यू टू का मैग्नीट्यूड और उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इसका मतलब तो वही हुआ, दैट इज इफ प्रोपोर्शनल क्यू वन एंड क्यू टू बाय आर स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे यहाँ पर से, तो आ जाएगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तब के क्या हो जा रहा है, के एक कांस्टेंट है, तो के का वैल्यू वेयर के इक्वल टू वन बाई फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट, का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है आपका 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कोलम्स लॉ का फॉर्मूला यही बताता है कि जो दो चार्जेस है क्यू वन एंड क्यू टू उसका बीच का जो फोर्स होगा वो होगा क्यू वन क्यू टू बाई फोर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ
और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है रिलेटिव, तो इस प्रकार हमने देखा कॉलम्स लॉ। एंड यहाँ पे फिर एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। फिर एग्जांपल देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। गाइस अभी हमने देखा कूलम्स लॉ, एक उसमें टर्म आया परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखते हैं ये क्या होता है। इसका डेफिनेशन है परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस व्हिच इफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में जो ये मीडियम है, जैसे कोई भी मीडियम है तो इसका मीडियम है, इसका मीडियम है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो बता रहा है कि विच इफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम, मतलब कि जो दोनों का बीच में फोर्स होगा, तो हर एक मीडियम का अपना अपना होगा, जो इफेक्ट करेगा उसके दोनों का फोर्स जो है, जैसे कि ये दोनों के बीच में जितना फोर्स है उसको इफेक्ट करेगा, और वो हर एक मीडियम का अपना अलग अलग होगा, और इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका साइन है इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो गाइस इसे आप लोग नोट कर लें, ये जो आपका है कि आपका फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ये जो आपका द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो आपका जो वैल्यू दी है वो क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो भी फ्री स्पेस है नॉर्मल उसमें जो परमिटिविटी होता है वो यही होता है। अब ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकता है, पर जो नॉर्मल फ्री स्पेस है जैसे, तो उसमें यही होता है परमिटिविटी का वैल्यू। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोइंट चार्ज। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्यों करते हैं या रिपल क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच फोर्स होता है। फोर्स कितना होता है वो हमने कूलम्ब्स लॉ से पढ़ लिया। फिर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू टू है, ये दोनों चार्ज है, तो ये अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा। लेकिन जो कर रहा है वो कितना दूर तक, जैसे कि ये है, अब कोई चार्ज यहाँ रखेंगे और ये क्यू टू पर अट्रैक्ट या रिपेल तो नहीं करेगा, इसका एक एरिया होगा ना, जितना दूर तक इसका फोर्स को फोर्स काम करता होगा, सपोज इसका इतना बड़ा एरिया तक ये काम करता है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया तक, तो इस एरिया में अगर क्यू टू चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपेल करेगा। सपोज अगर यहाँ पे रख देंगे क्यू टू को, तो ये क्यू वन तो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, तो ये किसी पार्टिकुलर एरिया तक ही इसका फोर्स काम करता है। तो ये जो फील्ड है, ये एरिया है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जहां तक कोई चार्ज किसी दूसरा चार्ज का फोर्स या अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स है उसे एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसे ही हम लोग मतलब फील कर पाएगा, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब दूसरा सेकेंड थिंग, अगर जैसे ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, तो जैसे जैसे ये क्यू टू उससे दूर होता जाएगा, उसका फोर्स जो है वो दोनों का, ये तो ये जो इसे खींच रहा है या रिपेल कर रहा है, वो कैपेसिटी उसका घटता जाएगा, मतलब ये जहां नजदीक आएगा यहाँ पे तो ज्यादा जोर से खींचेगा या रिपेल करेगा, और अगर इतना दूर पे धीरे धीरे फोर्स हमेशा घटता जाएगा जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे। तो डिपेंड्स जो ये खींचने या रिपेल करने, मतलब जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग रूप से खींच रहा है, मतलब स्ट्रांगली किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का हाई है, और अगर वो स्ट्रांगली मतलब वीकली अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका वीक है। तो फिर इस प्रकार हमने समझा, अब हम लोग इसे आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन।
इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सपोज क्यू इज सोर्स, सोर्स चार्ज मतलब ये चार्ज का एक सोर्स है, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज, सोर्स और पॉइंट चार्ज। ओके इन स्पेस देन द एरिया अराउंड द सोर्स चार्ज, द सोर्स चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि एक सोर्स चार्ज क्यों है या पॉइंट चार्ज है इन स्पेस, मतलब स्पेस में देन द एरिया अराउंड द सोर्स चार्ज, मतलब जैसे कि क्यों है इसका एरिया अराउंड, मतलब इसे चारों तरफ जो स्पेस में उससे चारों तरफ जो जो सोर्स चार्ज का है, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, अभी आपको बताया था जहां तक इसका फोर्स को हम लोग फील कर पाएंगे, मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, फिर देखते हैं इसमें एक नोट, द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्यों विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब कि जो द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज क्यों विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक, द फोर्स जो होगा सोर्स चार्ज पे वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक, मतलब कि द इफेक्ट ऑफ सोर्स क्यों विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको बताया जैसे कि सोर्स चार्ज क्यों है तो ये कितना वीक फोर्स लगाएगा या फिर कितना स्ट्रॉन्ग, वो उसका इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। फिर अब और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका ई लेटर से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ई। इंग्लिश लेटर ई से डिनोट कराया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू किप्ड एट दैट लोकेशन, मतलब दैट लोकेशन मींस एट द लोकेशन ऑफ सोर्स चार्ज, जैसे कि सपोज एनी टेस्ट चार्ज क्यू brought to the electric field E at the distance R at the location of source charge Q इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस सपोज एनी टेस्ट चार्ज क्यू ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द डिस्टेंस आर एट द लोकेशन ऑफ सोर्स चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू का है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का लोकेशन में एक डिस्टेंस आर के डिस्टेंस में एक स्मॉल जो है आपका यूनिट टेस्ट चार्ज को लाया गया, जैसे आपका हो जाता है देन द
फोर्स देन द फोर्स एग्जर्टेड बाय क्यू इज एफ इक्वल टू इक्यू इक्वल टू आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम लोग इक्वेशन वन मान। जैसे यहां क्या बोल रहा है कि एक सोर्स चार्ज क्यों है, क्यों एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे है एक यूनिट टेस्ट चार्ज क्यों को लाया गया, क्यों को लाया गया, ठीक है। फिर ये क्या आपका टेस्ट चार्ज, और ये आपका क्या है सोर्स चार्ज। तो ये जो है ये क्यों जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब क्या हुआ ये एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस पे, मतलब इस पे एक फोर्स लगा रहा है, वो मे बी रिपल्शन का फोर्स हो सकता है या तो फिर अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है, मगर फोर्स आएगा। तो ये जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू ई क्यू, एफ इक्वल टू ई क्यू, तो फिर इसे हमने ई यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते एफ इक्वल टू ई क्यू। ओके फिर इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ, तो बाय कूलम्स लॉ हम लोग क्या पढ़ते हैं एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्यू क्यू वन क्यू टू कौन सा है, तो एक है सोर्स चार्ज और एक है आपका क्यू, तो इसे हम लोग फिर लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया बाय कूलम्स लॉ। फिर इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन टू। ओके आप लोग नोट कर लें बाय इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम लोग क्या देखते हैं कि EQ इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R है वो आपका यूनिट वेक्टर है और इसके ऊपर जो ये निशानी ये हम लोग कैप बोलते हैं। तो EQ कहाँ से आया, EQ आया F इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे देखेंगे सॉरी इक्वेशन वन में आपने पढ़ा था कि F इक्वल टू होता है EQ और F के जगह पे हम लोग EQ लिख सकते हैं और यहाँ पे सेम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्यू और ये क्यू कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, आर वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन, फिर यहां पे इक्वेशन वन से आपका हो जाएगा इक्वल टू एफ बाय क्यू, यहाँ पे एक अलग एक्सप्रेशन हो गया आपका कि इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा फोर्स बाय जो चार्ज है यूनिट टेस्ट चार्ज। इफ क्यू इज यूनिट देन यहाँ पे क्यू क्यों इफ क्यू इज यूनिट, यूनिट मीन्स वन, वन होता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई वैसे ही यूनिट मीन्स वन, अगर यूनिट अगर इसका वन है तो इसका बात क्या हो जाएगा यही एक्सप्रेशन को जैसे कि क्यू का वैल्यू वन है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं इक्वल टू एफ। ओके
यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके अंदर क्वांटिटी वैसा होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपको बोलते हैं दूरी, किसी चीज का डिस्टेंस, जैसे पॉइंट ए टू बी, इसका हम लोग ऐसे करके भी दे सकते हैं, फिर इधर से भी ऐसे 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 करके, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन जब आता है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी, एंड दूरी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू। फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो भाई, जैसे कि क्यू है, सॉरी ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, ये इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जैसे कि ये फोर्स अगर इसे ढकेल रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। फिर यूनिट ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। फिर आपका एक और नोट हो जाएगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ आपका ई वेक्टर का क्या होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस थ्री, एक तो यहाँ पे देखते हैं कि एम जो है इसका एक है, लेंथ जो है वो एक है, टाइम टाइम माइनस थ्री में जा रहा है, और ए ए फॉर एम्पियर, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज और फोर्स ये सब, तो चार्ज जब भी चार्ज कनेक्ट होगा तो वहां पे तो एम्पियर आएगा ही। अभी हमने पढ़ा कि एक एक यूनिट जो चार्ज होता है, एक यूनिट चार्ज यानी सोर्स चार्ज, उसके पास एक टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि सिर्फ एक चार्ज, तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे जैसे कि एक क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फाइव फोर, क्यू फाइव, क्यू सिक्स। अब इसका जो सिस्टम ऑफ चार्ज है उसमें हम लोग किसी एक क्यू को किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये सारे चार्ज के मिला कर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल position of system of charges, system of charges q1 q2 q3 q4 q5 dot 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 qn,
इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. दैट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट डिस्चार्ज placed at the point of point without disturbing the original position of system of charges q1 and q2 dot 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 qn is electric field due to system of charges means jaise q1 q2 q3 q4 q5 ye system of charges hai hum log ek q charge ko iske beech mein place karte hain q charge ko place karte hain lekin place karne mein hum log ko ye bhi dhyan rakhna hai ki ye jo बाकी जो चार्जेस है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस उसका जो खुद का पोजीशन वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और फिर उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे रख दिए, प्लेस कर दिए. फिर उसके बाद ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स, ये कितना फोर्स, ये कितना फोर्स, ये कितना फोर्स. फिर हम लोग को देखना है कि सारा जो फोर्स है टोटल वो कितना फोर्स लग रहा है इस पे. ओके, फिर इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं. नाउ क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस विथ पोजिशन वेक्टर, विथ पोजिशन वेक्टर आर वन आर टू आर थ्री डॉट 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 आर एन. पोजिशन वेक्टर क्या हो गया, जैसे क्यू वन है ये क्यू टू है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है आर, अगर इसे हम लोग वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में होगा ना, तो इस पोजीशन को हम लोग जो डिफरेंस डिस्टेंस है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं. तो ये पोजीशन वेक्टर का रूप में लिया हम लोग. फिर ये आपका हो जाएगा एक क्यू चार्ज है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव सारे इस पे फोर्स लगा रहा है. ये आर आर फाइव वेक्टर है, ये आर वन वेक्टर है, ये आर टू वेक्टर है, ये आर थ्री वेक्टर है, ये आर फोर. ठीक है, तो अभी हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे. फिर देखेंगे देन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R1 ड्यू टू Q1 विल बी, जैसे कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R1 ड्यू टू Q1 विल बी, मतलब कि Q1 जो है Q1 के कारण क्यों पे R1 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा. तो आपका हम लोग पढ़े थे अभी फोर्स इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका हो जाता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बटा आर स्क्वायर. और ये आर वेक्टर, ये कैप लगाया क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, E1, तो E1 हो गया. कौन सा चार्ज के कारण, Q1, तो Q1 हो गया. और फिर डिस्टेंस आपका क्या है, कौन सा R1, तो R1 का स्क्वायर हो गया. और फिर कौन सा वेक्टर है, तो R1 का यूनिट वेक्टर है. ओके, तो ये आपका हो गया. इसके बाद यहाँ पे आते हैं सिमिलरली अब जो होगा Q2 क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पे क्या, E2 पे क्या होगा, तो भी आपको जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R स्क्वायर. यहाँ पे टू हो जाएगा R, R2 का यूनिट वेक्टर. ओके, तो सो ऑन. इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो ई एन होगा वो क्या होगा, ई एन इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन बाय
क्यूब एन का स्क्वायर और ये हो गया। ओके अब हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट, जो रिजल्ट होगा सारा का ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है इसका रिजल्टेंट। द टोटल, इसलिए द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या हो जाएगा आपका, ई आर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा जो रिजल्ट होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई आर इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ई एन, सारों को जोड़ेंगे तो फिर हम लोग का ई आर निकल जाएगा। तो अब आपका ई आर हो जाएगा और ई आर इक्वल टू आपका आ जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में आपका जाएगा क्यू वन बटा आर वन का स्क्वायर आर प्लस क्यू टू बटा आर टू का स्क्वायर आर का प्लस में क्यू थ्री बटा आर थ्री का कैप प्लस डॉट 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 प्लस आपका हो जाएगा क्यू एन बटा आर एन का स्क्वायर फिर आर एन का क्या, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ER इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 का पावर 1 का वैल्यू 1 से I का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग n तक ले रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा सकते हैं क्यू बटा आर और आर का पॉजिटिव इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो जहाँ पे क्या बोलते हैं आई, इसका मतलब मुझे आई का जो वैल्यू है 1 से लेकर के n तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड This is the expression of electric field due to system of charges. System of charges के कारण जो electric field होगा उसका ये expression है। तो आज का video देखने के लिए thank you guys। मिलते हैं फिर next video। Thank you.